नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2329 करोड़ की लागत से बने 9 जनपद में मेडिकल कॉलेजों का आज सिद्धार्थनगर में बटन दबाकर उद्घाटन और लोकार्पण किया। सिद्धार्थनगर 25 अक्टूबर 2021 माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी द्वारा धनराशि 2329 करोड़ की लागत से नव निर्मित उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर एवं जौनपुर का बटन दबाकर वर्चुअल उद्घाटन लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय भारत सरकार मनसुख मांडविया, माननीय मंत्री श्रम सेवा योजन एवं समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश सरकार जनपद प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार जय प्रताप सिंह, माननीय देशी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा स्वतंत्र देव सिंह, माननीय सांसद जगदम्बिका पाल, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती शीतल सिंह एवं माननीय जनप्रतिनिधिगण आदि उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का मॉडल देखा गया तथा माननीय मुख्यमंत्री जी ने छाया चित्र प्रदर्शनी, बुद्ध का जीवन दृश्य एवं उद्यखनित तुरास्थल कपिल वस्तु एवं झलक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसे सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। उद्घाटन कार्यक्रम में भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर पधारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के उर्वरक और रसायन मंत्री माननीय भारतीय जन स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री जय प्रताप सिंह जी, श्री सतीश चंद द्विवेदी जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, ब्रजलाल जी, माननीय विधायकगण श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्याम धनी भाई जी, चौधरी अमर सिंह जी, एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, प्रधानमंत्री जी का आपसे एक उपहार लेकर आया है। सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है और उस बड़े काम के लिए मैं यहां से आपका आशीर्वाद लेने के बाद, इस पवित्र धरती के आशीर्वाद लेने के बाद, आपसे संवाद करने के बाद काशी जाऊंगा और काशी में उस कार्यक्रम को लॉन्च करूंगा। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है,